उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, उज्जवल भारत की न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम सभी भाई बहनों के लिए एक अद्भुत दिवस है। आज है भाई दूज यानी भाई द्वितीया। आज द्वितीया है, आज द्वितीया की तिथि है। और आज के दिन हम भाई को टीका लगाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, जीवन में सुरक्षित रहने के लिए। और आज हम ये जो जगह आप देख रहे हो, आज हम आए हैं शांति मंदिर, दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले का एक खूबसूरत धाम शांति मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पर किसी भी पेड़ों को बिना नष्ट किए, बिना काटे यहाँ पे कक्ष और जो कमरे बनाए गए हैं, यहाँ पे संस्कृत पाठशाला है, ये गुरुकुल है। ये वही परंपरा पारंपरिक तरीके से जो उस समय पे रामायण और महाभारत समय में जो गुरुकुल परंपरा होता था, उसी परंपरा को, संस्कृति को जारी रखते हुए यहाँ पे भी वलसाड़ जिले में मगोद गांव में खूबसूरत शांति मंदिर का, गुरुकुल का एक खूबसूरत संस्कृत विद्यालय बनाया गया, जहाँ पे बच्चे पूर्ण रूप से संस्कृत में ही पठन कर संस्कृत में ही विद्या लेते हैं और संस्कृत में ही आगे पीएचडी तक वो डिग्री प्राप्त करते हैं, स्नातक भी और संस्कृत में ही करते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो हमारे देश का धरोहर है, संस्कृति का धरोहर है, संस्कृत भाषा हर भाषा की माँ कह रही, मतलब लैंग्वेज इसको संस्कृत, तो आप एक बार वलसाड़ में इस शांति मंदिर में ज़रूर आए और आकर इसका जो एक वातावरण है, शांतिपूर्ण वातावरण है, एक जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है, परंपराएं हैं, कल्चर है ऑफ इंडिया, जो रियल कल्चर ऑफ इंडिया जो छुपी हुई है, तो उसे आप यहाँ पर आकर ज़रूर एक बार देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नित्यानंद स्वामी जी कुछ ही क्षण में वो यहाँ पर एक सेमिनार के लिए वहाँ पर उपस्थित है हॉल में। तो आइए, तो हम ये कह रहे थे कि आज इस पावन और शुभ अवसर पर, भाई दूज के इस शुभ तिथि में, वलसाड़ के मगोद गांव में आनंद मेला का आयोजन किया गया है। ये स्थल है शांति मंदिर का, वो स्थान जहाँ पर भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है, संस्कृत भाषाओं जो हर भाषा की माता कही जाती है, संस्कृत, संस्कृत गुरुकुल, संस्कृत विद्यालय यहाँ पर है। और इसी संस्कृत विद्यालय गुरुकुल के भीतर यहाँ पे आनंद मेला का खूबसूरत आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर में आपको इस कार्यक्रम से भी आपको परिचित किया जाएगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को देखते हैं और शांति मंदिर के शांति के वातावरण के भीतर आनंद मेला के साथ आनंद का लुत्फ उठाते हैं। शांति मंदिर के आनंद मेला में जो ये स्टॉल मैंने देखा ना, एंटर होते ही वो रुद्राक्ष, जिसे हम एक रुद्राक्ष को हम एक शिव की तरह मानते हैं, जब हम 108 रुद्राक्ष का जाप करते हैं ना, तो हर रुद्राक्ष एक शिव की तरह होता है। और हम लोग ने बरुमाल में देखा था, धर्मपुर में देखा था कि लाखों रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया गया था, वो भी दर्शन किया था। यहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष देखा है, रुद्राक्ष का पेड़ भी हम लोग को बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और अगर हम जाप करते हैं एक रुद्राक्ष का या 108 रुद्राक्ष का, तो न जाने कितने बार हम शिव का नाम लेते हैं। ऐसे हमारे देश की परंपरा, देश की धरोहर है, देश की संस्कृति है, वो है हमारे रुद्राक्ष। कहते हैं ना कि हमारा जो कल्चर है ना, वो है डिवाइन कल्चर, इट मीन रुद्राक्ष, देवीय कल्चर, दिव्य कल्चर है, वो है रुद्राक्ष कल्चर। और फॉरेन कल्चर, भारत की संस्कृति यानी पुराण और ग्रंथ, पुराण हिंदू धर्म के पवित्र साहित्य का एक अहम हिस्सा है, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यकांड, उपनिषद और महान महाकाव्य शामिल है। उत्तर वेद मौखिक रूप से पारित धार्मिक ग्रंथ है, जबकि पुराण धार्मिक किंवदंतियों के कहानियां हैं और स्मृति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई जाती है। कहा गया है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तब वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों में संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। जब किसी ने वेद और ग्रंथ का पठन करते हैं, तब इन सारी विशेषताओं के साथ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। ये जो आप शिवालय देख रहे हो, ये है हमारे दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के गुरुकुल शांति मंदिर, जहाँ पर संस्कृत भाषा में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी यहाँ पर आकर गुरुकुल परंपरा के पारंपरिक अंदाज में लोग, जो विद्यार्थी है, वो पठन करते हैं और विद्या प्राप्त करते हैं।
कहते हैं संस्कृति यानी संस्कार। विद्या के साथ इन विद्यार्थियों को संस्कार के बारे में भी, जो हमारे भारत देश का धरोहर है, उसे भी सिखाया जाता है। देखिए किस प्रकार से विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो किस प्रकार से हवन और यज्ञ का एक पारंपरिक तरीके से वे हवन और यज्ञ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं अग्नि एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं सकारात्मक तरीके से। अगर हम वेद और पुराणों की बात करें तो वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है, तो पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा ने शुरुआत में केवल एक ही पुराण की रचना की थी। इसमें 1,00,000,000,000 श्लोक वर्णित है, लेकिन समय बदलने पर लोगों ने कल्याण के लिए ऋषि मुनियों के इस पुराण के खंडों को विभाजित कर इसे सरल ढंग से लिखा था। आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ जिले के मगोद गांव के शांति मंदिर में, जहां पर भाई दूज के दिन यानी कल के दिन खूबसूरत तरीके से आनंद मेला का आयोजन किया गया था। इस आनंद मेला में इस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कल्चरल प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने हिस्सा लिया और हमारी संस्कृति भाषा जो हमारे देश की धरोहर है, उस पर उन्होंने कई सारी कृतियाँ प्रस्तुत की। ये शांति मंदिर की रचना 1998 के साल में की गई थी। ये एक ऐसी शांति प्रिय जगह है जहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर आता है वो अपने आप को हर कष्ट और हर तकलीफों से दूर जाकर यहाँ पर शांति की प्राप्ति के लिए आते हैं। विदेशों से भी कई सारे लोग हमारे देश की धरोहर संस्कृति भाषा को सीखने और हमारे देश के संस्कार और रीति रिवाजों को जानने के लिए विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर इस शांति मंदिर में आकर शांति का अनुभूति करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हमने तो चलिए आपको ले चलते हैं इसी शांति मंदिर के आचार्य जी से मुलाकात कराते हैं। स्वागत है आज के शुभ अवसर पर, भाई दूज यानी भाई द्वितीया के आज के शुभ अवसर पर आज हम वलसाड़ के खूबसूरत शांति मंदिर में पधारे हैं। यहाँ पे हमारे साथ नित्यानंद जी स्वामी जी उपस्थित हैं। आइए आचार्य जी से पूछते हैं कि आज के इस खूबसूरत भाई दूज के अवसर पर जो आज आनंद मेला का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और क्या खास बात रही है शांति मंदिर को लेकर? हम लोग ने बार यहाँ पे विजिट किया है, और शांति मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो संस्कृत को, जो हमारी धरोहर है, हमारे भारत देश की भाषाओं की जो माँ कहती मदर ऑफ लैंग्वेज संस्कृत, उसी को लेकर शांति मंदिर बना हुआ है। आइए बात करते हैं गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम, और आपका बहुत स्वागत करते हैं उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल में। गुरु जी, हमारा धरोहर ही संस्कृत भाषा, जो कहते मदर ऑफ लैंग्वेज संस्कृत, तो उसको लेकर गुरुकुल का ये जो बनाना, ये कब से शुरू किया, और इसमें बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक माहौल ही अलग यहाँ पे संस्कृत जो भारत की जो परंपरा है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, शहरीकरण से दूर और खूबसूरत माहौल भी, हरियाली के माहौल के अंदर, तो उसकी जब चर्चा कीजिए भैया। उनको यहाँ अभी करीब 26 वर्ष हो जाएंगे जी। तो पिछले 26 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है, आश्रम चल रहा है जी। और हमारे गुरुदेव बाबा मुक्तानंद जी ने कभी 70s में ये विचार किया था कि यहाँ आश्रम होना चाहिए जी। तब जिनका जमीन है उन्होंने, जवान थे तो उसके अरे अपना वाड़ी है, आम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन जब हम जगह खोज रहे थे तो उनको याद आई वो बात, तो फिर उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कि आप ये लो, ये बात है 98 की, 98 में फिर उन्होंने हम सब कर सोचे जो बाजार रेट से कम में यह सब जगह दी हमें, तो तब से ये करता यहाँ आज हम 2024 में पहुँचे हैं। तो हमें हुआ कि वलसाड़ की जो जनता है उनको किस तरह से आकर्षण किया जाए और आश्रम का दर्शन भी हो जाए। आप बोल रहे थे संस्कृति संस्कार, ये सारी बातें, हमने सोचा भाई दूज है, कहीं बहन भाई से मिलने जा रही है, कोई भाई बहन से मिलने जा रहा है, कोई परिवारजन एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, सबको छुट्टियाँ हैं, इत्यादि जो भी जैसी भी सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो हमने सोचा एक बढ़िया दिन है कि आ जाए और मिल ले एक दूसरे से। तो आज सुबह से यहाँ अच्छे लोग आ रहे हैं दर्शन करने, मिलने, ये सब करने जी। और अपने यहाँ क्या है कि संस्कृत भाषा से
संस्कृति आती है, इस संस्कृति से संस्कार, बिल्कुल इस काम पे हम लगे हुए हैं। तो आपने कहा ऐसे काफी सारे बच्चे जो है अभी तो 6 से इस वर्ष चालू हुआ है, 9 से था, तो करीब 230 बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं फुल टाइम। दीपावली की छुट्टियाँ तो कुछ घर गए हुए, तो प्रयास ये है सबसे पहला कि उनको सज्जन दो, बिल्कुल, और भारत में कुछ कर पाए और भाग्य होगा तो विश्व में कर पाएंगे, इस तरह से उनको हम बताएं। जी, एक विशेष प्रश्न मेरे मन में अभी ये पूरा देख कर मुझे आया है, मैं पिछली बार आई थी तब भी मैंने वही मेरे मन में प्रश्न जागा था कि यहाँ के एक भी पेड़ पौधों को नष्ट नहीं किया गया, ना उनको कहीं पे काटा गया, तो इस प्रकार से स्पेशल आर्किटेक्चर के द्वारा जो ये जो माहौल बनाया गया किसी भी पेड़ पौधों को बिना काटे बिना नष्ट किए, इस पर आप जरा विशेष नजर डालिएगा। नहीं, हमने बहुत सोचा विचार किया कि डेवलपमेंट तो करना है, परंतु ये पेड़ करीब 100 वर्ष पुराने, तो मैंने सभी से ये निवेदन किया, मैं विशेषकर मुंबई से आते हैं आर्किटेक्ट डिजाइनर सबसे, इन पेड़ों के बीच में आप सब कुछ बना जी। तो पहले तो वो भी थोड़े सोच में पड़ गए, मुझे लगता है मुश्किल से 10-1 पेड़ कटे होंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ी। फिर मैंने कहा वो भी ऐसे काटो जो छोटे हो या बूढ़े हो गए हो, जाने वाले हो, तो फिर उन्होंने ऐसा करके, और हमारे कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने कहा पेड़ से बात करो, उसका परमिशन दो, उसे कहो कि हम चाहते हैं तो पेड़ भी पसंद होगा होगी, तो ऐसे सब करते 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 बिना कुछ निसर्ग को किए हमने पूर्ण आश्रम डेवलप किया। आप जो आनंद शांति इत्यादि के अनुभव कर रहे हैं, लोग अनुभव कर रहे हैं, मैंने कहा यही है, हम मंत्र गाते हैं देवहू शांति अंतरिक्ष गुण शांति, ये सब शांत हो, तो सब इन सबको हमने शांति में बनाकर रखा, शांत बनाकर रखा, तो इस तरह से आज 25-26 वर्ष के बाद लोगों को भी लग रहा है जो कह रहे हैं कि अभी कल ही हमारे वलसाड के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा शांति मंदिर जब भी हम आते हैं पूरा चक्कर मारते हैं, फिर वो भी हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल शांति का भी हमारा चार्ज हो जाता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न जरूर पूछूंगी कि आज के इस आनंद मेले में कितने स्टॉल लगे हैं और किस प्रकार के लोगों ने अपने अपने, क्योंकि मैंने अभी अभी चाय कई चुस्कर चुस्की ली है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन चाय, और आगे स्टॉल दूध का भी लगा हुआ है, तो उस पर जरा थोड़ा सा शब्द अपने शब्दों में बता दीजिए। कुछ हमारे आश्रम में ही जो भक्त लोग हैं उन्होंने कहा हम लगाएंगे स्टॉल, कुछ हमारे माता यहाँ हस्तकला चलाती है उनका स्टॉल है, कुछ हमारे यहाँ पेड़ पौधे उगाते उनका स्टॉल है, कुछ बलसाद से गन्ने वाला नारियल के पानी वाला नारियल ला रहा कि उसने हमारे ही पेड़ से उतर के यहीं बेच रहा हो, शायद पान वाला भी आया हुआ है, तो कुछ लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, तो पानीपुरी है आई थिंक, तो ये सब हम भी कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे हैं तो उनको इच्छा होती है कि बाहर जाके कचरा खाए, तो हमारे डॉक्टर की ये बहुत इच्छा है कि वो बाहर न जाए, अब यही उसकी व्यवस्था है, अभी उसको हम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कलर नहीं डालेगा, गलत चीज नहीं डालेगा, ये सब बातें वो पानीपुरी वाला गन्ने वाला नारे वाला सब समझ गए। तो ये करीब मुझे इतना जोड़ना चाहूंगी कि खान पान जो हमारे देश की एक परंपरा संस्कृति में जुड़ा जाता है, तो खान पान के बिना हमारा जो भारत देश है उसको तो हम सोच नहीं सकते, तो उसी खान पान को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आनंद मेले का खूबसूरत आयोजन किया गया है, और साथ में जो आप ये हरियाली देख रहे हो एक भी पेड़ को बिना नष्ट किए बिना काटे यहाँ पे हर एक कक्ष हर एक कमरा बनाया गया है, और जो संस्कृति जो हमारी धरोहर है जो मदुरा लैंग्वेज कहा जाता है उस संस्कृति भाषा को धरोहर बनाकर आज इस परंपरा को जारी रखते हुए शांति मंदिर का जो एक समय पे शुरुआत की गई थी और आज भी ये परंपरा जारी है, तो मैं कहूँगी कि संस्कृत भाषा जो हर भाषा की धरोहर है, इट इज कॉल्ड नोन एज मदर लैंग्वेजेस ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि शुरुआत होती है संस्कृत लैंग्वेज से, हर भाषा की शुरुआत उत्पन्न होती है, तो हर बच्चे को संस्कृत भाषा अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको सीखने के बाद एक अलग ही वेद पुराणों का जो अनुभव होता है वो सकारात्मक अनुभव होता है, क्योंकि वेद पुराणों में आज भी श्लोक और मंत्र संस्कृत में ही दिए गए, उसके अर्थ हिंदी या प्राकृत में अवश्य दिए, लेकिन जो मंत्र उच्चारण होता है संस्कृत में ही किए जाते हैं, तो मैं तो चाहूँगी हर विद्यालय में एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव अगर लाया जाए, क्या कहते गुरु जी आप, कि शुरुआत से ही केजी से ही नर्सरी के, आज जैसे हम एबीसी सीखते हैं फॉर एप्पल, तो क्यों ना अगर संस्कृत के जो हम लोग अक्षर अगर नर्सरी से सीखा जाए, तो 10वीं या 12वीं में आते आते संस्कृत के कुछ एक ग्रंथों का कुछ एक श्लोक, कुछ श्लोक तो हम अवश्य उसको पठन करेंगे, करने से हमारी भाषा के ऊपर जो प्रभुत्व जो महत्व है उसको जरूर जान पाएंगे। बने रहिए और शांति मंदिर को आकर
शांति का अनुभव जरूर कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ के मगोद के शांति मंदिर से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें कि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका विश्वास। अंत में सबका प्रेस धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस खूबसूरत वातावरण के भीतर ही इसी कैंपस में, इसी गुरुकुल के कैंपस में ही हमारे देश की कुछ पारंपरिक या ऐसा कहे तो देसी फास्ट फूड जो है, जैसे कि गोलगप्पे जिसे हम पानीपुरी और बंगाल में इसे फुचका कहते हैं, ऐसे खान पान को भी जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो इसी कैंपस के भीतर, इसी गुरुकुल के भीतर आनंद मेला का आयोजन किया गया ताकि बच्चे इस प्रकार के खान पान का भी वे लुत्फ़ उठा सके और एक आम जिंदगी से, जो एक आम तौर पे वो ज़िंदगी जीते हैं गुरुकुल की, जो एक कठिन जीवन जीते हैं, उसे कहीं ना कहीं बाहर निकल के एक आनंदमय, एक दिन आनंदमय आनंद मेला के साथ वो बिताए। और इसमें कई सारे लोगों ने अलग अलग, करीब 25 से ज़्यादा उन्होंने स्टॉल रखी गई है। इसमें चाय और ये है मिंट का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ड्रिंक्स शरबत है। इसे जब हमने इसे ग्रहण के जब पिया तो पूरे दिन की जो थकान है वो मिट गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक और बार शांति मंदिर का पूरा चक्कर इस मिंट के शरबत को पीने के बाद एक पूरा चक्कर फिर एक बार लगा सकते हैं। मिंट से बनी शरबत पीने के बाद हम लोग ने इस कार्यक्रम के समापन की तरफ पहुँचे और हम इस शांति मंदिर से हम लोग ने प्रस्थान किया। लेकिन उसके पहले हम लोग ने मुलाकात की थी रेस्क्यू टीम से, जिन्होंने उस दिन सेमिनार भी दिया था एमरजेंसी रेस्क्यू के बारे में। साथ में कल्चरल प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी खूबसूरत आयोजन ओपन ग्राउंड में खुले वातावरण के साथ, खूबसूरत समय जो शाम का समय था, खुले वातावरण, पावन गुरुकुल के इस पावन प्रांगण में बहुत ही खूबसूरत जो माहौल बनाया गया था वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें पारंपरिक नृत्य, क्लासिकल नृत्य और लोकगीत, साथ में संस्कृत के पठन के साथ बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पठन किया, श्लोक उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण किया गया। संगीत के साथ जब मंत्रों का उच्चारण होता है तब सही मायने में एक दिव्यता का अनुभूति हर किसी ने अनुभव अवश्य किया होगा। इस कार्यक्रम में विदेश से भी काफ़ी सारे मेहमान इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए पधारे थे। यहाँ पर जो खूबसूरत तरीके से जो देसी चाय होती है, जिसे हम कहते हैं कि चाय एक अमृत की तरह पिया जाता है, तो इसे पारंपरिक तरीके से अदरक के साथ चाय पत्ती, जिसे हम खुशबूदार, जिसे चाय की एक अलग ही खुशबू आती है, इसे हमने पिया। और उसके बाद फिर गोलगप्पे की बारी आई। और कहते हैं ना कि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्र में आ जाए, लेकिन वो जो गोलगप्पे का स्टॉल देखते ही वो उस तरफ खींचा चला जाता है। गोलगप्पे की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हर किस्म के खान पान का मज़ा लिया, चाहे वो ठंडाई हो, जैसे कि अभी मिंट के शरबत की बात हम लोग ने की, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे गोलगप्पे खाकर इस खूबसूरत शाम का भी हमने लुत्फ़ उठाया। इस कार्यक्रम में वलसाड़ के भीड़ भंजन मंदिर के ट्रस्टी श्री बाबजी यानी हमारे माननीय शिवजी महाराज जी इस कार्यक्रम के लिए शाम को पधारे थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उन्होंने आचार्य गुरुजी नित्यानंद जी के साथ बैठकर उन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी उन्होंने देखा और सराहा। आप भी एक बार अवश्य आए शांति मंदिर में शांति की अनुभूति करने के लिए। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। उज्जवल भारत न्यूज पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अंत में सबका प्रेस। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।